नमस्ते, वेलकम्स टू जिम्स ऑर्बिट। मैं हूं नीरजा, योगा टीचर। आज के सेशन में, ये सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, जिनको एंजाइटी बढ़ जाती है और पीयर प्रेशर झेलते हैं। ये पूरा ट्रेंड हो गया है आजकल के बच्चों में कि जो पीयर प्रेशर है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मेरा ये स्टेटस है, उसका ये स्टेटस है, ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही जो लाइफस्टाइल है आजकल के बच्चों की, लेट नाइट सोना, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, कुछ भी खाना, बाहर का कोई भी फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना, इन सब की वजह से, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट, आपके थॉट प्रोसेस और आपका डेली रूटीन बहुत आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि आपके किस तरह का ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी इसी वजह से होता है। तो आज का ये सेशन खास है, अगर हर बच्चा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे टीनेजर हो और चाहे वो टीनेज से निकल चुका हो, हर किसी को अगर ये सेशन करने के लिए कहा जाए और वो 15-20 डेज रेगुलर कर पाए, तो 100% वो स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से और ऑल काइंड ऑफ प्रेशर से अपने आप को बचा सकेंगे। सो, थोड़ा सा हम बात करेंगे आज के सेशन में कि स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी कैसे डेवलप होती है, और हम बीच में बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस की भी, कि उनकी जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे अपने सेशन को, बीच बीच में से हम थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे, इससे आपको एक विजन आएगा कि आपका स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है और आप उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले आप कंफर्टेबल बैठ जाए, हम सेशन को शुरुआत करते हैं 3 ओमकार से। कंफर्टेबली बैठे, पीठ को सीधा कर दें, गर्दन को रिलैक्स कर दें, पीठ को सीधा, हाथों को ढीला छोड़ दें, शोल्डर को रिलैक्स रखें, आंखों को बंद कर दें, श्वास को लंबा और गहरा भरें और श्वास को लंबा गहरा छोड़ें। मैंने लास्ट कई वीडियोस में बताया है कि आप श्वास को कैसे लें और कैसे रिलैक्स करें। सो, आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे, जब आप इनहेल कर रहे हैं, फील ऑल द पॉजिटिव एनर्जी कमिंग इन साउट। व्हेनेवर यू आर एक्सहेलिंग, फील ऑल द नेगेटिविटी गोइंग आउटसाइड। इनहेल करते हुए पेट को बाहर निकालें, चेस्ट को ओपन करें, एक्सहेल करते हुए चेस्ट को अंदर ले जाएं, पेट को भी अंदर ले जाएं। थोड़ी देर आप जहां बैठे हैं उस जगह से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपका मन भागता रहता है, आपका दिमाग कभी शांति से नहीं बैठता, इसीलिए आपको स्ट्रेस बिल्ड होता है। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू रिलैक्स। इनहेल डीपली, वी विल स्टार्ट अवर सेशन विद 3 ओमकार। Inhale deeply. Last time. Feel the vibrations. ओमकार की वाइब्रेशंस को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। अडोप नमस्कार मुद्रा, रब योर पाम्स, पाम्स को रब करें अच्छे से और अपनी आंखों पर रख दें, आंखों को धीरे से खोल दें। मैं बात कर रही थी कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस आप सिंपल समझिए, आपकी जो बॉडी है और आपका माइंड, बॉडी जब आपके माइंड के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पाती है, यानी दिमाग आपका बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेता है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन बॉडी उतना काम नहीं कर पाती है, देन स्ट्रेस बिल्ड होता है। आपने नोटिस किया होगा, आपके बहुत सारे टारगेट्स हैं, आपके पास एग्ज़ाम का टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। जब आपका टाइम कम है और आप सिलेबस ज़्यादा है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो टाइम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पाएंगे, तब आपको स्ट्रेस बिल्ड होता है। सो
बॉडी की जो स्पीड है वो स्लो होती है, माइंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है. जब दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है तब आपको स्ट्रेस बिल्ड होता है. अब स्ट्रेस ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम है और आपको स्ट्रेस नहीं आया तो फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे. सो स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस आना चाहिए, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड यूज स्ट्रेस, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस. लेकिन जब वही स्ट्रेस लॉन्ग रन तक सस्टेन करता है आपके बॉडी में, आपके माइंड में, तब वो स्ट्रेस हो जाता है नेगेटिव स्ट्रेस. और वो स्ट्रेस आपके बॉडी से लेकर माइंड तक पूरी तरह आपको डिस्ट्रॉय कर देता है. और फिर प्रोड्यूस होती है साइकोलॉजिकल इलनेस, जिसको कहते हैं एंग्जाइटी, जिसको कहते हैं डिप्रेशन, जिसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और भी बहुत सारे न जाने कौन सी बीमारियाँ जो साइकोलॉजिकल यानी आपके ब्रेन से जनित बीमारियाँ हैं. सो सुशांत सिंह राजपूत की भी बात करें तो उनको उनके डॉक्टर ने सर्टिफाइड किया है बाइपोलर डिसऑर्डर. तो बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके स्ट्रेस जब लॉन्ग रन में रहता है तब आपको कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, यानी कभी एंग्जाइटी होती है, कभी डिप्रेशन होता है. हम सबके बीच में ये मूड स्विंग्स आते हैं, लेकिन अगर हमने उसको संभाला नहीं, हमने उसको समझा नहीं, उसको मैनेज नहीं किया, तो आप धीरे 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 बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास है, स्ट्रेस आना ज़रूरी है और मेहनत करना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, और टाइम लिमिट में उसको सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हाउ टू रिलैक्स. सो आज के पूरे सेशन के दौरान मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आप किस किस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं. बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 मिनट में क्विक रिलैक्स कैसे करें, लेकिन जब आपके पास टाइम है तो 30 मिनट का ये सेशन आप हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आप कर लेते हैं और फिर पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग के आसन से. तो खड़े हो जाइए. किसी भी सेशन की शुरुआत आप जब भी करें तो आपको सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है. तो हमेशा हम करते हैं वैसे ही, दोनों पैरों को साथ रखें, दोनों हाथ कमर पर रखें, हम शॉर्ट में सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, इससे पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाए, एक बार स्ट्रेचिंग के लिए रेडी हो जाए, आसन के लिए रेडी हो जाए. इनहेल करते ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हो नीचे, 3 से 4 बार इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल करें, एक्सहेल करें, राइट साइड खींचें, इनहेल करते हो वापस आएँ, एक्सहेल करते हो लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल राइट, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल करते हो सामने, एक्सहेल करते हो नीचे, इनहेल करते हो राइट से ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हो लेफ्ट से नीचे. एक और बार, इनहेल करते हो राइट से ऊपर, एक्सहेल करते हो लेफ्ट से नीचे. लास्ट टाइम, इनहेल करते हो राइट से ऊपर, एक्सहेल लेफ्ट से नीचे. उल्टा कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से ऊपर इनहेल करते हुए एक्सहेल राइट से. सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम. रिलीज, दोनों हाथों को इधर इस तरह खोल दें और मुट्ठी बांध दें और अपने रिस्ट को रोटेट करें, हाथ को सीधा रखें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. हाथ को ऊपर ले जाएं और नीचे ले आए, 1 2. बहुत आराम से करें, धीरे धीरे, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है. हाथों को नीचे ले जाएं, ट्विस्टिंग कर दें, पूरा पीछे जाएं, 1 2 3 4 5. जब आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए या स्ट्रेस के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो बहुत ही आराम से होगी, इसलिए उसको जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है. रिलैक्स, दोनों हाथ को इस तरह रखें और शोल्डर को फुल रोटेट करें, 1. इनहेल एक्सहेल का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन सही से करते हैं तभी आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रिलैक्सेशन फील होता है. हैंड रिलैक्स, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, शोल्डर विड्थ जितना, क्लच करें फिंगर्स को और हाथ को ऊपर खींचें और पैरों को ऊपर, पूरे पंजों को ऊपर ले आएं, इस तरह से होल्ड करें, एक्सहेल करके नीचे रख दें, दोनों पैरों में थोड़ा गैप बढ़ाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करें, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड,
सेकेंड टाइम फुल्ली स्ट्रेच करते हैं, फुल्ली स्ट्रेच करें, इनहेल एक्सहेल। नाउ रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और दोनों पैरों में गैप बंद कर दें, क्लोज ले आए, नीज बेंड करें, इनहेल करते हो आप और एक्सहेल करते हो डाउन ले जाए, नीचे जाएं और ऊपर आए, एंटी क्लॉक कर दें, इनहेल करते हो नीचे, एक्सहेल करते ऊपर, एंड थ्री। दोनों पैरों में गैप छोड़ दें, दोनों हाथ ढीले छोड़ दें और रिलैक्स करें। और मुझे ध्यान से सुने, आंखें बंद करके पूरा रिलैक्स करें। जब हमारा माइंड हमेशा उलझन में रहता है, यानी कि आपको ऑलवेज भागते रखता है, ये करना ये करना ये करना, और उसे रिलैक्स करना नहीं आता, तभी स्ट्रेस बिल्ड होता है, और वो स्ट्रेस लॉन्ग रन में रहता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए डीप रिलैक्सेशन करना आपके ब्रेन को सिखाना है। सो डीप इनहेल एंड एक्सहेल करके रिलैक्स कर दें, रिलैक्स द होल बॉडी, फील योर एंग्जाइटी आर गोइंग, फील योर स्ट्रेस आर गोइंग, सब सब कुछ बाहर निकल रहा है। हर एक एक्सहेलेशन आपको एक एनर्जी दे रही है, ऐसा महसूस करते हुए डीप ब्रेथ करें। नाउ सहज हो जाए, स्टैंडिंग के तीन आसन करेंगे, जिनको जिनको कह सकते हैं बैलेंसिंग आसन, दो बैलेंसिंग और एक है फॉरवर्ड बेंड। जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, मैं हर एक चीज़ की टेक्निकलिटी समझाऊंगी, उसके साथ ही कराऊंगी। जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो पूरा जाता है, आप इस तरह खड़े हैं तो ग्रेविटी की तरफ जो है ब्लड ज़्यादा तेजी से बह रहा होता है, ऊपर आने में उसको टाइम लगता है, तो आप उल्टा हो जाते हैं तो ग्रेविटी की तरफ सिर होता है और आपकी ब्रेन की तरफ पूरा ब्लड फ्लो ईजी होता है। तो जैसे ब्रेन को ब्लड फ्लो मिलता है, खून दौड़ने लगता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलने लगती है, तो अपने आप ही स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। सो पादहस्तासन के लिए दोनों पैर साथ रखें, अब आप ध्यान रखें आपकी बेंडिंग जितनी भी हो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो लोग बहुत नीचे बहुत देर तक ना झुकें, बच्चों के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। इनहेल करें, रेज योर हैंड्स, एक्सहेल करते हैं, पूरा ऊपर सामने की ओर अपने आप को खींचें और फिर धीरे से नीचे आए। आपके हाथ अगर यहाँ आते हैं तो सिर को धीरे से नीचे लेके आए। अगर आप नीचे नहीं इतना झुक सकते, इतना ही है, तो यहाँ पर रख के अपने आप को नीचे लाएं। अगर आप नीचे और झुक सकते हैं तो आप नीचे झुकने की कोशिश करें। पादहस्तासन इसको कहते हैं। यहाँ पे 10 से 20 सेकंड रुके। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आए और एक्सहेल करते अपने हाथ को नीचे रख दें। 10 से 20 सेकंड इसलिए कहा, आप शुरुआत में 5 से 7 सेकंड करें, धीरे धीरे 10 करें, 20 करें, फिर 30 सेकंड तक आपको वहां पे रुकना है। पादहस्तासन, पैरों में गैप छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास भरें। आप फील करें आपके ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो हुआ और आपकी जो ब्रेन की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो गई हैं। एक दिन में करने से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आप जब भी स्ट्रेस में हैं इसको कर सकते हैं। याद रखें, जब हेडेक हो रहा हो उस समय ब्लड का फ्लो सिर में नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड बेंड नहीं करनी चाहिए। जिस समय हेडेक हो रहा हो उस समय आपको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। अभी दोनों पैरों को साथ में ही रखेंगे, करेंगे ट्री पोस्चर, वृक्षासन। ट्री कैसा होता है, एक जगह पे खड़ा रहता है, पेशेंस होता है उसमें। सो कल्टीवेट योर पेशेंस थ्रू ट्री पोस्चर। राइट लेग को बेंड कर दें, पहले अपने आप को बैलेंस करें। अगर आपसे बैलेंस नहीं होता तो आप सपोर्ट ले लें, और पहले सपोर्ट से करें। दोनों पैर को पूरा ऊपर जितना खींच सकते खींचें, एक जगह पे नजर स्थिर करें, फिर इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर नमस्कार बना लें। अभी देखेंगे हाथ को इस तरह पकड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, नमस्कार मुद्रा बना के और कान से लगा के रखेंगे। यहाँ पे जितनी देर आप रुक सकें, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर आपको धीरे धीरे इसको 30 सेकेंड के लिए बढ़ाना। अभी मेरे साथ कोशिश करें,
नजर आपकी स्थिर रहेगी। देखिए जितना आप स्टेबल रह पाएंगे, आप समझ लीजिए आपका माइंड उतना ज्यादा सिंसियर है, उतना ज्यादा स्टेबल है। अगर आप बहुत हिल रहे हैं, दैट मींस योर माइंड इज फ्लिकरिंग, योर माइंड इज नॉट स्टेबल। वंस योर माइंड विल बी स्टेबल, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी ऑल्सो। नाउ एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं और फिर धीरे से अपने पैर को नीचे रखें और 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें। वंस यू स्ट्रेच इन योर आसन, देन यू हैव टू रिलैक्स। सो स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन बोथ पैरेलली इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्ट्रेस की कंडीशन तब आती है जब आपको रिलैक्स करना नहीं आता। सो हमें आसन के थ्रू ब्रेन को ये समझाना है कि आसन से हमने स्ट्रेचिंग की, फिर हमने रिलैक्सेशन किया। सो उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वंस बहुत प्रॉब्लम में है अगर, तो उसको फील हो कि नहीं अब मुझे रिलैक्स करना है। नाउ दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को बेंड करें और राइट थाई पे ऊपर रख दें पेरिनियम के पास, जितना हो सके उतना ऊपर। नहीं है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। एक जगह पे नजर स्थिर करें, पीठ सीधा करें, दूसरा नी सीधा रखें दूसरे पैर का। इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर खींचे और होल्ड करें। मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो वापस से आए, और अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप स्टेबिलिटी से रुके हैं, दैट मींस योर कंसंट्रेशन इज वेरी नाइस, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, आपका माइंड बहुत स्टेबल है, इसीलिए आप ये पोस्चर अच्छे से कर पा रहे हैं। नाउ एक्सहेल करते हुए बोथ हैंड्स रिलैक्स, रिलैक्स योर लेग एंड डीप ब्रेथ, टेक योर डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज आउट। Relax the whole body. Now, for last asana in standing, we'll do Veerbhadrasana. ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनको हम चेंज करके कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में मैं जब आसन की सेशन लूँगी इसमें बताती जाऊँगी कि इस आसन से आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर होती है, तो आप उनको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये 2 या 3 आसन ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे आसन जो स्टेबिलिटी और आपके ब्रेन को काम डाउन करने में हेल्पफुल हैं। सो वीरभद्रासन एक ही वेरिएशन करेंगे इसका। राइट लेग को इस तरह से पहले पैरों में गैप रख दें, राइट लेग को राइट पैर को उस राइट साइड ओपन करें, पीछे का पैर और थोड़ा पीछे खींचे। बैलेंसिंग आसन है, सो एक जगह पे नज़र स्थिर रखेंगे, बॉडी को इधर ही रखें। इनहेल करते हुए हाथ को सीधा करें, अभी जो पैर बाहर निकाला है उसको 90 डिग्री पे लेके आएंगे, पीछे का पैर एडजस्ट कर लें और नीचे आए, हाथ यहीं रहेगा, बॉडी आगे नहीं जाएगी, सिर्फ आपके पैर से झुकेंगे और गर्दन को इस तरफ अपने राइट हैंड के थंब पे रखेंगे नजर। होल्ड करें थोड़ी देर, पहले 10 सेकेंड करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, आज अभी मेरे साथ 30 सेकेंड करेंगे। नाउ इनहेल करते हुए पहले पैर सामने ऊपर लाएं, पैर को सामने लाएं, एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे ले जाएं, दोनों पैर वहीं रखें और रिलैक्स करें। नाउ सेकेंड लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग के पैर को लेफ्ट साइड निकाल दें, राइट पैर को थोड़ा पीछे लें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अभी देखिए ये बॉडी सामने रहेगी और गर्दन को इस साइड लाएं और एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री आए, अपना लेफ्ट टो के ऊपर नजर रखें, होल्ड करें। एंड नाउ कम अप, पैर को सीधा कर दें, हाथ को नीचे रख दें और दोनों पैर साथ में रख लें, डीप ब्रेथ करें, डीप इनहेल और नाइस एक्सहेल करें। नाउ बैठ जाएंगे, बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर दें। अब
हम बैठकर कुछ एक आसन ऐसे करेंगे जिनसे आपका ब्रेन काम डाउन होगा। सो सबसे पहले अपने पैर को एक एक करके फोल्ड करें और वज्रासन में आए। वज्रासन यानी कि आपके हिप्स जो है हील्स पे होने चाहिए। अब वज्रासन में बैठ जाएं और पैरों को थोड़ा सा गैप रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चाइल्ड पोस्चर करेंगे, इसमें दो वेरिएशन है, एक शशांक आसन मून पोस्चर और दूसरा है चाइल्ड पोस्चर। इनहेल करें, हाथ को ऊपर लाएं, एक्सेल करके अपने आप को नीचे लेके आएं, मतलब आपकी जो हिप्स हैं वो हील्स पे रहें और आप जितना झुक सकते उतना झुकें। अगर आप यहाँ पे झुक नहीं सकते तो यहाँ पिलो लेकर भी अपने सिर को नीचे ला सकते हैं, और अगर आपकी इतनी अच्छी है फ्लेक्सिबिलिटी तो आप सिर को नीचे टच कर दें। ये शशांक आसन, दोनों हाथों को इस तरह ढीला छोड़ दें। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल है तो यहाँ पे रुकें, 30 सेकंड के लिए रुकें। इनहेल करते हुए ऊपर आए और शांति पूर्वक थोड़ी देर बैठे। जब आप नीचे झुक रहे हैं तब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन में जा रहा है, और जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिल रही है। नाउ डीप ब्रेथ करें यहाँ पे, जिन लोगों को नी में इशू है वो लोग ये आसन वज्रासन में ना बैठे, जिनको नी में गैप है वो लोग वज्रासन नहीं कर सकते, एल्स आप खाने के बाद अगर वज्रासन में बैठते हैं तो डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। दोनों पैरों को सामने खोल दें और पश्चिमोत्तानासन फिर से ऐसे ही दिखा देती हूँ। दोनों पैरों को सामने खोलें, दोनों हाथ नीज पे रखें। इनमें से आप जब बहुत स्ट्रेस में हो तो कोई भी आसन कर सकते हैं। आप पूरा सेशन ना करें तो चाइल्ड पोज में अगर आप बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने आप को यूं रिलैक्स छोड़ देते हैं, तब भी आपको रिलैक्सेशन होगा। दोनों पैर सीधे रखें, पैरों को अपनी तरफ खींच के रखें। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए नीचे आएं। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप बहुत नीचे नहीं आ सकते, यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, यहाँ पे रखें। हाथ से पैर पकड़ सकते तो पैर पकड़ लें, हील पकड़ सकते तो हील, जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आने की कोशिश करें और यहाँ पे रुकें। पहले दिन 10 सेकंड, फिर 20 और 30 सेकंड तक इसको भी होल्ड करने की कोशिश करें। नाउ स्लोली इनहेल करें और हाथ को पूरा ऊपर खींच लें। इसका काउंटर पोस्चर भी कर दें, दोनों हाथ पीछे रखें और अपनी बैक को पूरा स्ट्रेच कर लें। एंड नाउ रिलैक्स हो जाए। ये आसन जब आप करेंगे तब आप खुद फील करेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी नीचे जा रही है, और इस आसन के करने के बाद आपकी पूरी बैक स्ट्रेच होगी, आपके थाई स्ट्रेच होंगे, पेट आपका स्ट्रेच होगा और रिलैक्सेशन भी होगा। सो दोनों पैरों को फिर से इस तरह से बैंड करेंगे, राइट लेग को बैंड करें और लेफ्ट को बैंड करके दोनों के सोल्स को जॉइन कर दें और दोनों हाथों से उसको पैरों को पकड़ लें। धीरे से अपने पीठ को सीधी करें और पैर को अप एंड डाउन पहले करें थोड़ी देर, आंखें चाहे तो बंद कर दें। श्वास को लंबा और गहरा करें। आप धीरे से अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, घुटने को टच करने की कोशिश करें, थोड़ी देर यहां रुकें। नाउ इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने आपको जितना नीचे झुका सकते हैं उतना नीचे लेकर आए। अगर आप टच कर सकते हैं अपने नोज को या अपने फोरहेड को अपने टोस से तो उसको टच कर सकते हैं।
नहीं कर सके तो आप इतना भी झुकें, लेकिन झुके रहें। स्टे हियर, स्टे फॉर 30 सेकेंड। नाउ इनहेल करें, गर्दन सामने लाएं और श्वास भरते ऊपर आते हुए एक्सहेल कर दें। दोनों पैरों को एक साथ रख के और उनको ग्रिप कर लें। डीप ब्रेथ करें। ये कुछ आसन हैं जिनको आप जब आपको स्ट्रेस आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसा लगे कि आप ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं, जब बहुत उलझन में हो, तब आप इस तरीके से कोई भी प्रैक्टिस ले लें। उन सब प्रैक्टिसेस में आप एक भी प्रैक्टिस लेंगे तो भी आपको शांति मिलेगी। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे शांति के लिए, वो है यहाँ बैठ जाएंगे और ओमकार चैंटिंग करेंगे। जब आपको टाइम ना हो, आपको आसन करने का मन ना हो, तब आप ओनली ओमकार चैंटिंग जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं। 11, 21, 51, 101 जितने भी आप चाहें उतने ओमकार की चैंटिंग कर सकते हैं। आज हम 21 राउंड्स करेंगे। श्वास का पूरा भरें और रिलैक्स कर दें। स्टार्ट करेंगे, इनहेल शांत हो जाए, मन को पूरी तरह शांत कर दें। ओम की वाइब्रेशंस आपके पूरे ब्रेन को और पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। आंखों को बंद ही रखें। एक और क्रिया करेंगे जिसको आप तुरंत करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कंफर्टेबल जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। हम पूरे एक एक शरीर के पार्ट को टाइटन करेंगे। जैसे जैसे मैं नाम लेती जाऊं, हर एक उस पार्ट को आप टाइट करते जाएं। पैरों की उंगलियां, सोल्स, एंकल्स टाइट करें, थाइस को, कफ मसल्स, शिन बोन, नी कैप्स, थाई मसल्स, पेल्विक एरिया। एक्सहेल करके पेट को पूरा टाइट करें, चेस्ट टाइट करें, हाथ की मुट्ठी बांधें,
टाइटन करें अपने हाथ को पूरा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, फेस को दांत कस के बंद कर दें, दांत बंद करें, होंठ बंद करें, आंखें बंद करें, टाइटन करें पूरा फेस, टाइट करें पूरे शरीर को, टाइटन और टाइट करें 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 एंड रिलैक्स। रिलैक्स छोड़ दें पूरे शरीर को, रिलैक्स द होल बॉडी। जब भी आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, ये क्रिया QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसको आप किसी भी वक्त बैठ के लेट के कर सकते हैं, इससे आप इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है। श्वास को लंबा भर गहरा करें और मन को शांत होने दें। अब लास्ट में एक और काम करेंगे। अगर आपको जब बहुत मन अशांत हो तब आप भ्रामरी यानी मकार चैंटिंग का उच्चारण करेंगे। हम करेंगे 11 राउंड, आप कितने भी कर सकते हैं। आंखें बंदी रखें, सिर्फ मकार चैंटिंग करेंगे। इनहेल शांत हो जाए। मकार चंटिंग से ब्रेन पूरी तरह से वाइब्रेट हो जाता है, ऐसा महसूस करें। जो भी क्रियाएं आप करें उनको अपनी बंद आंखों से अवेयर होकर देखने की कोशिश करें, अपने शरीर और मन में आए हुए बदलाव को देखने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए शांति पूर्वक बैठें। दोनों हथेलियों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। अपने और हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश करें। अपने खूबसूरत रचना हूं, ता कोई और नहीं, मैं खुशियों खुशियों से भरी, प्यार से भरा हुआ हूं, खुशियाँ और प्यार बांट सकता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई पैम्पर माई सेल्फ। खुद से प्यार करना मेरी सेल्फिशनेस नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई बॉडी, टुवर्ड्स माई सोल। इसी के साथ ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, धन्यवाद का भाव रखें और दोनों हथेलियों को रब करें। रब योर पाम्स, आँखों पे रख दें, आँखों को अंदर ही अंदर खोलें, बंद करें, फिर से रब करें, आँखों पे रखें, फेस पे लगाएं, कान को टच करें, गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड, हिप्स, थाइस और शिन बोन से होते हुए पैरों के एंकल्स, सोल्स तक लाएं। जब आपको लगे अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराएं। और मुस्कुराहट जो है वो अनमोल है, वो कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। तो ये था आज स्ट्रेस एंग्जाइटी और आपके पीयर प्रेशर को हैंडल करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रेशर ना रहे तो इस सेशन को आप डेली कर सकते हैं। ये डेली करने से आपकी ब्रेन की पावर को इतना बूस्ट करेगा कि आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स दें, अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं। नया आप कुछ और चाहते हैं, किसी और तरीके की थेरेपी चाहते हैं या किसी और तरीके के सेशंस चाहते हैं तो आप अपने सजेशन ज़रूर दें। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।